टू फाइंड द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड वर्क फंक्शन। इंपॉर्टेंट है ये भी, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वो क्वेश्चन आएगा, प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालो, वर्क फंक्शन निकालो आइंस्टाइन की इक्वेशन को यूज करके। तो ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, तो आपने इसमें क्या करना है इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक, आइंस्टाइन की इक्वेशन में एच न्यू फोटोन की जो एनर्जी है उसमें से कुछ वर्क फंक्शन है और कुछ हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। इसके अंदर हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, ई वी नॉट। तुम वी नॉट को एक तरफ रखो, ई को राइट साइड पे ले जाओ तो ई नीचे भी आएगा, नीचे भी आएगा, ये इक्वेशन है। तुम एक काम करो, इसको देखते हुए ग्राफ प्लॉट करो, किस में किस में, वी नॉट में और फ्रीक्वेंसी में। तो ये ग्राफ है, ये वी नॉट है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो इस ग्राफ में ये क्या है, ये वी नॉट है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। तो अब ये देखो वाई एक्सिस में क्या है, वी नॉट है और एक्स एक्सिस में क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में वी नॉट है, एक्स में क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर ये इक्वेशन यूज करें तो ये क्या है, स्लोप, ये स्लोप है और ये क्या बनेगा इसका, इंटरसेप्ट। और ये इंटरसेप्ट y एक्सिस पे बनने वाला है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। अगर मैं ग्राफ v नॉट और फ्रीक्वेंसी में प्लॉट करूँ, v नॉट और फ्रीक्वेंसी में, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा जो यहाँ कट करेगा माइनस w नॉट बाई ई पे, तो यहाँ कट करेगा। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, माइनस w नॉट बाई ई, ये न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। और स्लोप की वैल्यू कितनी है, एच बाई ई। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ की वैल्यू क्या है, एच बाई ई। तो एच क्या है, स्लोप ऑफ वी नॉट फ्रीक्वेंसी इंटू ई, ई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट आ गया। तो न्यूमेरिकल में क्या करता है, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में कहीं पर भी वो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की क्या देगा, कोई भी लेट अस सपोज स्लोप दे देगा, मतलब कोई वैल्यू देगा, स्लोप निकाल लेना, कहेगा उसकी हेल्प से प्लैंक्स कॉन्स्टेंट निकाल लो। तो जो भी आप स्लोप निकालोगे उसको एच बाई ई के इक्वल कर देना और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच की वैल्यू आ जाएगी। और एक और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कट कहाँ कर रहा है, इससे माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई पे, इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, इंटरसेप्ट y एक्सिस पे क्या है, माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। तो यहां से वर्क फंक्शन क्या होगा, जो भी इंटरसेप्ट बनेगा उसको e से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तुम्हें ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा, तुम्हें ऐसा ग्राफ प्लॉट करके वो ये वैल्यू देगा, यहां पर वैल्यू देगा किसी कोई भी चीज की, वो जो वैल्यू है वो याद रखना वो किसके इक्वल होती है, डब्ल्यू नॉट बाई ई के इक्वल होती है। और इस ग्राफ को देखते हुए आप डब्ल्यू नॉट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, हाउ टू कैलकुलेट अ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन।